अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं लंच बनाने लगी हूँ, तो लंच में मुझे बनाना है आज फरीजी। तो फरीजी जो है कि एक तरह का चाँप का तरह गोश्त होता है, और तो वो मेरे मायके में बनता है ये रेसिपी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो चल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो सबसे पहले फटाफट से दाल चढ़ा लेती हूँ। दाल भून के आज मैं चढ़ाऊँगी। हर टाइम तो नमक हल्दी दे के चढ़ा देती हूँ और पका देती हूँ ऊपर से, तो आज मैंने सोचा कि आज भुना दाल बना देती हूँ भून के। तो यह दाल को धो के ना मैंने पहले ही भिगा के रखा था। ये मूंग और मसूर मिलाया हुआ दाल है, हम लोग ज़्यादातर यही दाल खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, और हरी मिर्च थोड़ा सा कट कर लिया है, सूखी मिर्च और जीरा। तो पहले लहसुन को डाल देते, थोड़ा सा लहसुन जल जाएगा तो उसके बाद हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं जीरा और ये डाल देंगे, मिर्चा सूखा मिर्चा। दाल में ना जीरा का खुशबू ना बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है, लहसुन का भी। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ना छोटा सा अनियन कट करके भी डाला हुआ है। ऐसे ही यहाँ मेरे घर में ना प्याज ब्राउन करके ना दाल कोई खाने नहीं मांगता, लेकिन आज मुझे भुना दाल बनाना था तो मैंने डाल दिया। तो प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैं यहाँ दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं हल्दी नमक डाल रही हूँ। तो इसको अच्छा से भून लेते हैं और पानी डाल के सीटी दो सीटी लगने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हरी मिर्च था तो मैंने ये भी डाल दिया इसमें। तो दाल जब तक बन रहा है तो यहाँ पे फटाफट से प्याज टमाटर वगैरह कट कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर वगैरह को कट कर लिया, धनिया फटाफट से कट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ना अलग तरह से बनता है, ये हम ही लोग का तरफ बनता है शायद, इस तरह से तो पता नहीं और कोई बनाता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में भी इस तरह से नहीं बनता है। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लिया है, और यहाँ पे दही, दही को ना थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फेंट लिया था। तो ये चाँप का गोश है, ये गोश है रान का, और इसको ना अच्छे से मैंने वो लोग ना पीट देता है, ऐसे पतला करके चिपटा कर देता है। तो दाल हो गया है, तो दाल को खाली कर लेंगे फटाफट से, फिर वही कुकर को धो करके मैं उसी में चढ़ा दूँगी। तो इसमें ना ज़्यादा करके काली मिर्च जाएगा, तो काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक पेपर का। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ले लिया होल, ऐसे भी मैं होल ब्लैक पेपर ही क्रश करके यूज़ करती हूँ, पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसे कूट लेते हैं। ये ना थोड़ा दरदरा कूटना है, थोड़ा सा मुंह में अगर आता है ना तो अच्छा लगता है ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो 5 स्पून जो है कि मैंने तेल लिया है, और प्याज को ना हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि मेरा पास ब्राउन किया हुआ प्याज थोड़ा सा अन्य जो बचा हुआ था, तो मैं उसी को डालूंगी। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब इसको थोड़ा भून लेंगे। अब यहाँ मैंने जो टमाटर कट कर रखा था वो टमाटर डाल दिया है। नमक, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच ये जो है कि मिर्ची लिया है, मिर्चा पाउडर, और 1 चम्मच जो है कि कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और थोड़ा सा ब्राउन अनियन को मैंने डाल दिया है। ये थोड़ा तीखा टाइप का, और ब्लैक पेपर का जो है कि खुशबू वाला ना अच्छा लगता है, इसका रेसिपी थोड़ा सा अलग होता है। और जो भी हम करी बनाते हैं, गोश्त वगैरह बनाते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा अलग है। तो दही डाला है, थोड़ा सा हल्का से इसको भून लेते हैं, मैंने आंच को यह धीमा कर दिया है। तो अब मैं इसमें गोश्त ढाल के मिला दूँगी। इसमें जीरा धनिया वगैरह हल्दी वगैरह हम लोग कुछ नहीं डालते हैं, बस इतना ही मसाला इसका है। तो इसको 3 सीटी ना फुल फ्लेम में 3-4 सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा राइस भी बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने सलाद भी बना लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से ना ये पक गया, गल गया है, और ज़्यादा गलाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ऐसे कूटा हुआ रहता है तो जल्दी गल जाता है। तो देखिए ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। तो यहाँ मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच और नमक डाला है। तो इसको ना अच्छा से भून लेते, भूनना है अच्छा से।
तो जो ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था उसको डाल दिया, और यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दिया। ये ना बहुत अच्छा बनता है, सिंपल है और हम सबको बहुत पसंद है। तो मैंने हस्बैंड को पहले बना के दिया था, तो शायद इस टाइप का तो उन्होंने खाया नहीं था बहुत। तो मैंने बहुत तरीके का बनता है ये, तो उन्हें ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पर सालन बन के रेडी हो चुका है, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो नहीं, ये बहुत मज़े का बना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।